हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे चल रही है तैयारी? सो तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के PYQ बेटा करने वाले हैं। PYQ की इस सीरीज में स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और बहुत आसान है। मतलब आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, इसके PYQ कवर अप कर लो, एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, राइट? मतलब पूरा ये चैप्टर सॉर्ट हो जाना है, मतलब क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम है। और ऐसे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम होता है। देखो, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि हम उसे कितना भी प्रैक्टिस कर लें फिर भी ना एक डाइसी सा केस बना रहता है। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, लगता है ना तुम लोगों को डर, जैसे GOC तुम लोग बहुत बार पढ़ लेते हो फिर भी डरते हो। बट स्टेट्स ऑफ मैटर एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने श्योर शॉट इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो देयर इज नो फियर, मतलब चांस ही नहीं है क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए इस चैप्टर पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा और शुरू करते हैं PYQ। उससे जस्ट पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, उम्मीद क्रैश कोर्स बेटा अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च हो चुका है। अगर आपको डिटेल में सारे चैप्टर 45 डेज के अंदर कवर अप करने हैं, सो दिस इज द लास्ट चांस। आई थिंक इसके बाद आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब बहुत कम दिन हमारे पास बचे हैं। तो 45 डेज डिटेल्ड प्लान है बेटा, जिसमें आपको वन शॉट में सारे लेक्चर्स कवर कराए जाएंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे टीचर्स से पढ़ने की उम्मीद क्रैश कोर्स में। तो अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर लो, यूज द कोड आनंद टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। इस क्रैश कोर्स की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज भी प्लान है, तो यू नीड टू गिव 21 टेस्ट जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। मतलब जिस तरह से आप चैप्टर पढ़ोगे उसी सीक्वेंस में आप टेस्ट देते जाओगे, एंड लास्ट में आप कुछ फुल सिलेबस के भी टेस्ट दोगे। तो ज्वाइन द क्रैश कोर्स अगर आपको नीट 2022 में अच्छे रैंक लेकर आने हैं। चलो, सो लेट्स बिगिन द PYQs। पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन आर प्रेजेंट। देखो, डाइपोल होता है एक पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है? डाइपोल हमेशा प्रेजेंट होता है एक पोलर मॉलिक्यूल में, और इंड्यूस्ड डाइपोल प्रेजेंट होता है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो पोलर एंड नॉन पोलर, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। तो अब देखो, यहाँ पे एक पोलर होना चाहिए एक नॉन पोलर, तो HCl इज पोलर, बिल्कुल सही बात है। HE इज नॉन पोलर, सही बात है। फर्स्ट ऑप्शन कैन बी द आंसर। एक बार सेकंड चेक करें, SiF4 एंड HE एटम्स, H2O एंड एल्कोहल दोनों पोलर हैं, Cl2 एंड CCl4 दोनों नॉन पोलर हैं। तो बेटा, अगर आप HCl जिसमें कि एक परमानेंट डाइपोल है, इसको आप HE के साथ लेकर चलोगे तो ये इस पे इंड्यूस कर देगा डाइपोल। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन, नाइट्रोजन एंड आर्गन का मिक्सचर है एक सिलेंडर में, कंटेन 7 ग्राम N2 एंड 8 ग्राम आर्गन, ठीक है? दोनों का मास हमें गिवन है, मास इसलिए गिवन होता है ताकि आप मोल्स निकाल सको आराम से। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 27 bar, द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। देखो बच्चे, पार्शियल प्रेशर का सबसे पहले आप दिमाग में आपके एकदम बत्ती जलनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दोनों के मोल्स चाहिए। तो 7 ग्राम मेरे पास N2 है, तो बेटा मोल्स कितने हो जाएंगे N2 के, m/m0 हमारा फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 7, मोलर मास इज 28, 1/4 मोल्स। दूसरा, मेरे पास 8 ग्राम्स आर्गन है बच्चे, तो मोल्स ऑफ आर्गन कितना हो जाएगा बच्चा, 8/40 है ना, आर्गन का मोलर मास 40, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/5, ठीक है ना। मैथमेटिक्स चेक करते रहना यार, मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता, केमिस्ट्री में आई कैन टीच, मैथमेटिक्स यू विल टेल, ठीक है? तो ये हो गया 1/5, और मुझे पार्शियल प्रेशर किसका चाहिए, N2 का। तो भाई मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, इट विल बी 1/4 upon 1/4 + 1/5, है ना, नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। चलो सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 9/20 आ जाएगा ये नीचे, तो मेरे पास आ रहा है 20/4 × 9। अब देख लो क्या डिवाइड हो सकता है, 5/9, ठीक है, 5/9 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू टोटल प्रेशर, 5/9 × टोटल प्रेशर 27।
ये गया 3 times 15 बार, समझ गए बेटा? द ऑप्शन नंबर सी 15 बार, दिस इज गोइंग टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. चलो नेक्स्ट. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar प्रेशर विल बी. कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर. टेम्परेचर गिवन है 374 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर गिवन है 1 bar. सीधा सीधा अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, PV इज इक्वल टू NRT, लग सकता है बेटा? प्रेशर कितना है 1 bar, ठीक है? टेम्परेचर बेटा 374 डिग्री सेल्सियस. आपको पता है टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है, तो 374 में हम 273 ऐड करेंगे, देखो कितना होता है 647 केल्विन, ठीक है? P हो गया, T हो गया, R की वैल्यू देखो क्वेश्चन ने हमें बता दी, R की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दे दी, N कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास है 1.8 ग्राम, मोलर मास है 18, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0.1, ठीक? तो अब इक्वेशन लगाएंगे हम, PV इज इक्वल टू NRT. बेटा प्रेशर हो गया आपका कितना 1 bar, बिल्कुल. वॉल्यूम हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 0.1, आर की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर बेटा 647. अब इसको सॉल्व कर लो तो 0.83 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 647, तो देखो 647 से कम हो जाएगा ये नंबर जब आप 0.83 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा, कर लेंगे मल्टीप्लाई थोड़ा साइड में, चलो कर लेते हैं, तुम लोग को वैसे भी आदत होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने की, ठीक है? आदत होनी चाहिए, नीट के पेपर में तभी आदत बनेगी, कैलकुलेटर मत यूज करना, जल्दी से मल्टीप्लाई करो बेटा मेरे साथ में. बेटा ये आ रहा है मेरे पास 41701. अब मुझे ये देखना है कि मुझे डेसिमल कहाँ पे लगाना है, तो मुझे डेसिमल लगाना है बेटा 3 places के बाद, और इसमें अभी मुझे 0.1 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 4.17 लीटर. वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 4.17 लीटर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 4.17 तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई है. तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा अगर तुम लोग भी प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन की. ध्यान से देखो कौन सा कैलकुलेशन गलत है, क्या टेम्परेचर वाला गलत है क्या? 273 ऐड करो, आई थिंक 273 तो गलत नहीं है, यहीं पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में ही गड़बड़ आया है. दोबारा चेक करो यार मल्टीप्लिकेशन. अभी तक तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं मिल रही. यहाँ गड़बड़ है, यहाँ आएगा 51, दिस शुड बी 51. अब हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 6.3. ये आ रहा है 5.3, ठीक है? तो इट शुड बी, रुको, इट शुड बी 53701, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1, सो इट शुड बी 5.3 लीटर. अब है कोई चॉइस? यस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो मल्टीप्लीकेशन की ठीक से आदत डालो, अदरवाइज नीट के पेपर में यही हो जाएगा, चॉइसेस नहीं मैच करेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ पिन होल, मतलब एक कंटेनर मान लेते हैं और उस कंटेनर में एक होल कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गैसेस इससे बाहर जा सकती हैं, बोथ गैसेस कैन एस्केप. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप्स इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप. तो इक्वल मोल्स मानने हैं ना आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपको इक्वल मोल्स मानने हैं. तो हम मान लेते हैं कि एक्स मोल हमारे पास H2 है, एक्स मोल हमारे पास O2 है, ठीक है?
अब कह रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप, मतलब इसमें से एक्स बाय टू मोल हाइड्रोजन एस्केप कर गई इन टी टाइम, टी टाइम ले लें, आधी हाइड्रोजन एस्केप कर गई टी टाइम में, अब इसी टाइम में कितना ऑक्सीजन एस्केप करेगा। सबसे पहले बेटा ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन का क्वेश्चन है, इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे कि रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का मोलर मास मेरे पास 32, हाइड्रोजन का 2, दिस इज रूट 16, रूट 16 का मतलब 4, मतलब जो हाइड्रोजन की रेट है वो ऑक्सीजन की रेट से 4 टाइम्स ज़्यादा है। अब देखो मैंने क्या माना कि हाइड्रोजन कितना एस्केप हो गया, एक्स बाय टू, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स बाय टू डिवाइड बाय टी, समझ आ रहा है। अब रेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, क्या हम मान लें कि वाई मोल्स एस्केप हुए कितने टाइम में, टी टाइम में, अगर मैंने ये दो डेटा पुट किए एक्स बाय टू बाय टी अपॉन वाई बाय टी, दिस इज इक्वल टू 4, तो टी से टी हो जाएगा कट एंड आई कैन राइट एक्स बाय टू वाई इज इक्वल टू 4। मुझे y चाहिए, मुझे ये पता करना है ऑक्सीजन एस्केप कितना हुआ, तो y विल बी इक्वल टू x बाय 8, मतलब ऑक्सीजन कितना एस्केप हुआ बेटा, 1/8 ऑफ इनिशियल मोल्स, ऑक्सीजन कितना एस्केप हुआ बेटा, 1/8 ऑफ इनिशियल मोल्स ऑफ O2 एस्केप्ड, क्लियर है। तो बेटा ऑप्शन ढूंढो, 1/8, वेरी गुड, 1/8, वेल डन, बहुत आसान था सवाल, देखने में पढ़ने में टफ लग रहा था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 227 डिग्री सेल्सियस एंड 5 एटीएम प्रेशर। देखो हमारे पास ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पीएम नॉट इज इक्वल टू डीआरटी, दिस इज द डायरेक्ट डेंसिटी फॉर्मूला, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी सीधी है। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है हमें, 5 एटीएम, मोलर मास कितना है बेटा नाइट्रोजन गैस का, 28 ग्राम, तो ये आ गया 28। बचे डेंसिटी हमें निकालनी है, आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर है 227, इसको यहीं पे केल्विन में बदल दो, ये शॉर्टकट तरीके हैं, पेपर में ऐसे ही किया करो, वहीं बदल दो, तो 227 प्लस 273 दिस इज इक्वल टू 500 केल्विन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा नंबर आ गया 500, कैलकुलेशन आसान हो गई बेसिकली। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू 28 अपॉन 500, और इसको बेटा 1/12 लिख लेते हैं, 0.082 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/12, ठीक है, इसको हम 1/12 कर लेते हैं, सो 500 ये गया 100, 12 इंटू 28 आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 280 प्लस 56 336 बाय 100, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.36 ग्राम पर कितना 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 क्या यूनिट आएगा बेटा, ग्राम पर लीटर आना चाहिए, एमएल क्यों दिया हुआ है, मुझे एमएल पे डाउट हो रहा है क्योंकि मैंने लीटर में आर रखा है ना, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गड़बड़ है, यहाँ एमएल आएगा ही नहीं, एमएल आएगा ही नहीं, डेंसिटी जो आती है वो ग्राम पर लीटर में आती है इस तरह के केसेस में गैसेस की, तो इट शुड बी 3.4 ग्राम पर लीटर, क्लियर है। देखो ml कैसे आ जाएगा, आपने लीटर में रखा है ना वॉल्यूम, और आपने प्रेशर को एटीएम में रखा है, टेम्परेचर लीटर एटीएम, तो ये लीटर में ही आएगा फॉर श्योर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट आप ग्राम पर लीटर कर लो। नेक्स्ट, 50 ml ऑफ ईच गैस ए एंड ऑफ गैस बी टेक्स 150 एंड 200 सेकेंड रेस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजिंग थ्रू अ पिन होल अंडर द आइडेंटिकल conditions, इफ मॉलिकुलर मास ऑफ गैस बी इज 36, अगर गैस बी का मॉलिकुलर मास 36 है, द मॉलिकुलर मास ऑफ ए, देखो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन है अगेन, बहुत इजीली आप फॉर्मूला लगाओगे, रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ठीक है, तो रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी, कितना ए डिफ्यूज हो रहा है, 50 ml, कितने टाइम में, 150 सेकेंड्स में, तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरे पास, 50 अपॉन 150, कितना बी डिफ्यूज हो रहा है, सेम 50 ml, कितने टाइम में बेटा, 200 में, तो रेट ऑफ बी हो जाएगा 50 अपॉन 200, इन दोनों को पुट कर दो, सो आई एम गेटिंग
50 अपॉन 150 डिवाइड बाय 50 अपॉन 200 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा मोलर मास बी का कितना है 36 और ए का मोलर मास हमें निकालना है. 150 कटेगा या 50 कटेगा, 50 कट रहा है. सो दिस इज 200 बाय 150, दिस इज इक्वल टू रूट 36 बाय एम ए. ये हो गया 4, ये हो गया 3. स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सॉल्व करने के लिए, तो 16/9 36 बाय एम, राइट. तो एम ए इज इक्वल टू, व्हाट शुड बी एम ए, एम ए इज इक्वल टू 36 इंटू 9 बाय 16. देखो कितना आता है, 81/4. पॉइंट्स में आ रहा है क्या आंसर? नहीं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा है. गड़बड़ कहाँ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, कुछ कैलकुलेशन. 200 बाय 150 ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी 36 ठीक है, एम ए शुड बी इक्वल टू 36 बाय एम ए. तो एम ए शुड बी इक्वल टू 9 इंटू 36 बाय 16. क्या ये डिवाइड हो पा रहा है पूरी तरह से? पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आंसर कैसे आएगा 96. नियरेस्ट निकाल देते हैं फिर, एक काम करते हैं नियरेस्ट निकाल देते हैं. अगर आप नियरेस्ट निकालोगे तो एम ए इज अप्रॉक्सीमेटली 20. क्या 20 दिया कोई ऑप्शन? नहीं, 20 भी नहीं दिया. या ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है. एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन चेक करते हैं. 50 एम एल ए और 50 एम एल बी टेक्स प्लेस 150 सेकेंड्स एंड 200 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली फॉर रिफ्यूजिंग थ्रू अ पिन होल. तो 50 बाई 150 रेट हो गया ए का, 50 बाई 200 रेट हो गया बी का. इफ मॉलिकुलर मास ऑफ बी इज 36 अगर बी का मॉलिकुलर मास है तो ए का कितना होगा? तो मैंने आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एन एम ए, ये फॉर्मूला भी सही है. एम बी हमें दिया है 36. ऐसा तो नहीं ए का मोलर मास दिया और बी का पूछा हो, ये क्वेश्चन की टाइपिंग की कुछ एरर हो, क्या कहते हो? ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैंने मोलर मास बी रखा, मैंने स्क्वायर किया दोनों तरफ. 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9. 200 150 में कुछ गड़बड़ तो नहीं डिवाइड करने में? 4/3 आ रहे हैं, 16/9 आ रहे हैं, या तो मेरी मैथमेटिक्स खराब हो गई है या क्वेश्चन में कोई टाइपिंग एरर आ रहा है. तो एम ए इज इक्वल टू 36 इंटू 9 बाई 16. भाई देखो मेरा तो इतना आ रहा है, अब या तो क्वेश्चन में कोई टाइपिंग एरर है या तुम लोग देख लेना इस सवाल को. एक बार देख के मुझे बताना जरूर, कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना कि मेरी कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ है या सवाल में कहाँ गड़बड़ है, ठीक है? चलो. अ सर्टेन गैस टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू इफ्यूज आउट एज हीलियम. तो सर्टेन गैस को एक काम करते हैं, गैस एक्स मान लेते हैं, क्या बोलते हो? गैस एक्स, और इसको कितना टाइम लग रहा है? 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू इफ्यूज एज हीलियम इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी. देखो ध्यान दो बेटा, अगर मैं मान लूं रेट ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ हीलियम दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, ठीक है? तो रेट ऑफ एक्स जो दिया है क्वेश्चन ने वो 3 टाइम्स रेट ऑफ हीलियम दिया है, ये बात हमें क्वेश्चन बता रहा है. तो मैंने लिखा 3 टाइम्स रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ हीलियम दिस इज इक्वल टू, हीलियम का मोलर मास होता है बेटा 4, हीलियम होता है मेरे पास 2He4, और एम एक्स मुझे निकालना है, ठीक है? देखो रेट ऑफ हीलियम कट गया, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर. तो दिस इज 9 इज इक्वल टू 4 बाय एम एक्स. तो एम एक्स इज इक्वल टू, एम एक्स इज इक्वल टू 36 आएगा इसका आंसर, बट 36 आता हुआ नहीं दिख रहा. अ सर्टेन गैस एक्स टेक्स, अच्छा 3 टाइम एज लॉन्ग एज, हाँ देखो ये गलत नहीं आ रहा, पिछले वाले में ही कुछ गड़बड़ है. 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज, तो इसका क्या मतलब है कि जो हीलियम की रेट है ना, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत इंटरप्रेट कर दिया. इसका मतलब है बेटा कि जो हीलियम की रेट है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है रेट ऑफ एक्स से, ये मतलब है इसका. मतलब रेट ऑफ एक्स इंटू 3 इंटू रेट ऑफ एक्स, तो यहाँ से रेट ऑफ एक्स कटेगा और ये आ जाएगा बेटा
3 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बाई एम एक्स. अब स्क्वायर करोगे तो 9 इज इक्वल टू 4 बाई एम एक्स, सॉरी 1 बाई 3 इज इक्वल टू 4 बाई एम एक्स, तो 1 बाई 9 एंड एम एक्स इज इक्वल टू 36. तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी. तो x जो था वो 3 टाइम्स ज्यादा लगा रहा है, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया कि x 3 टाइम्स है, गलती से. एज लॉन्ग एज का मतलब है 3 टाइम ज्यादा. चलो नेक्स्ट सवाल. टू गैसेज ए एंड बी हैविंग द सेम वॉल्यूम डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन इन 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली. द मॉलिकुलर मास ऑफ ए इज 49. मतलब बहुत सवाल आए हैं, ग्राम्स लॉ पे बहुत सवाल आए हैं लगातार. तो गैस ए की रेट मान लेते हैं आर ए, गैस बी की रेट मान लेते हैं आर बी. तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए. सीधा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है. अब सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है तो मैं आर ए को मानूंगी बी बाई 20 और मैं आर बी को मानूंगी बी बाई 10. टाइमिंग दोनों की दी है तो रेट होता है वॉल्यूम एस्केप्ड अपॉन टाइम. ठीक है, मॉलिकुलर मास ए का कितना है बेटा 49. सारी वैल्यूज को पुट किया तो वी बाई 20 अपॉन वी बाई 10 इज इक्वल टू पहले किसका मोलर मास, बी का जो अननोन है. ए का मोलर मास कितना 49. ठीक है, कुछ कट रहा है, हाँ जी बी से भी कट रहा है और ये आ रहा है 10 बाई 20 अंडर रूट एम बी अपॉन 49. इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस बार सही होना चाहिए. तो 1 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन 49. तो एम बी इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 4 और 49 डिवाइड बाई 4 कितना 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 4 से डिवाइड करके देखो अप्रोक्सीमेटली 12.25 है. कोई आंसर हमारे पास? यस, ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ मोलर मास हमारा पॉइंट्स में आया है. चलो क्वेश्चन नंबर 9. अ गैसियस मिक्सचर वॉज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इक्वल मोल्स ऑफ CO एंड N2. इक्वल मोल्स. इफ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वॉज फाउंड टू बी 1 atm द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. देखो इक्वल मोल लेने हैं, 1-1 ले ले क्या, 1-1 मोल ले ले. अरे जब इक्वल लेने हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है तो क्यों ना आप सबसे छोटा ऐसा नंबर ले लो जिससे कैलकुलेशन सबसे आसान हो जाए. अगर मैंने 1-1 मोल ले लिया, ध्यान देना मोल फ्रैक्शन N2 का 1/2, मोल फ्रैक्शन CO का 1/2, पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है N2 का विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन N2 का कितना है बेटा 1/2, टोटल प्रेशर कितना है बेटा 1, आंसर विल बी 0.5 atm. कितना आसान सवाल है, मतलब 2011 वाले बच्चों की मौज है. इतना आसान सवाल आया है नीट के 2011 में. आगे चला कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट PYQ देखो, 2011 में ये सवाल आया. पढ़ने में तो बड़ा लंबा लग रहा है सवाल, ऑप्शंस भी देखने में बड़े तगड़े से लग रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं ऑप्शन. चलो देखते हैं. अ बबल ऑफ एयर इन इज अंडर वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1.5 bar. ठीक है, एक बबल है एयर का और वो वाटर के अंदर है. तो मान लिया मैंने ये कोई रिवर है और इस रिवर में पानी के अंदर एक एयर बबल है बेटा, यहाँ मान लेते हैं. ठीक है, और वो जो एयर बबल है उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 1.5 bar. राइट, क्लियर. अब देखो कह रहे हैं कि इफ द बबल राइजेस टू द सरफेस, अगर ये बबल राइज करके सरफेस पे आ जाता है ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा. जब कोई चीज पानी के अंदर से सरफेस पे आती है प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाएगा 1 bar. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, बिल्कुल जस्टिफाइड है. टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम में बबल के क्या चेंज आएगा. देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम तीनों चीज़ें बदल रही हैं और जब भी कभी तीनों चीज़ें बदलती हैं तो हम लगाते हैं कंबाइंड गैस लॉ. तो बस हमें लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. आपको सिर्फ कंबाइंड गैस लॉ लगाना है. तो मुझे लगाना है P1V1 upon T1 इज इक्वल टू P2V2 upon T2. बेटा प्रेशर तो हम रख देंगे बार में, लेकिन टेम्परेचर हमें रखना पड़ेगा केल्विन में. तो मैं एक बार डेटा लिख लेती हूँ कि मेरे पास P1 है 1.5 बार, मेरे पास T1 है बेटा 15 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 288. एक बार कैलकुलेशंस देखते रहना, कहीं कोई गड़बड़ हो तो मुझे बताना. और मेरे पास V1 मान लेते हैं V, P2 है मेरे पास 1 bar, T2 है मेरे पास 25,
25 का मतलब हो जाता है 298 केल्विन, 288, 298, और B2 हमें निकालना है। ये सारे डेटा को पुट कर दो, ये सारे डेटा को पुट कर दो, तो P1 की जगह 1.5, V1 की जगह V, T1 की जगह 288, P2 1, V2 निकालना है, T2 298, तो V2 विल बी इक्वल टू, जो वॉल्यूम आएगा बबल का सरफेस पे आने के बाद, दैट इज 298 अपॉन 288 इंटू 1.5 V। अब ध्यान से देखना, हम सिर्फ गैस करेंगे ऑप्शन, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा स्मार्टली खेलना। 298 और 288, ये मोर देन वन आ रहा होगा, मतलब 1 point something आ रहा होगा, ये ग्रेटर देन वन आ रहा होगा, तो जो V2 आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1.5 V। समझ गए ना? बस अरे कैलकुलेशन करने बैठेंगे, स्मार्टली नहीं चलेंगे, तो पेपर में नंबर कैसे आएंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होंगे? आप बस इतना समझ जाओ, 298 को 288 से डिवाइड करोगे तो 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, और 1 से थोड़े बड़े नंबर अगर आया तो V2 1.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो कोई ऑप्शन है जिसमें V2 1.5 से थोड़ा सा बड़ा दे रहा हो? वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर देन बाय अ फैक्टर 1.6, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर देन बाय अ फैक्टर 1.1, गलत है। वॉल्यूम विल बिकम स्मॉलर, गलत है। वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर बाय अ फैक्टर 2.5, इतना भी बड़ा नहीं आएगा, बस 1.5 से हल्का सा बड़ा आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट चॉइस है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय 6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इन अ 0.03 m³ वेसल एट 129 डिग्री सेल्सियस इज, क्या क्या दिया हुआ है हमें? मीथेन का मास दिया हुआ है, क्या हम मोल्स निकालते हैं यहीं? जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मेरे साथ। 6 ग्राम मीथेन है तो आप जल्दी से मोल्स निकाल दो। 6/16 मीथेन का मोलर मास, CH4, हाँ 16। और क्या दिया है? प्रेशर दिया हुआ है बेटा 0.03 m³, टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 129 डिग्री सेल्सियस, तो इट विल बी 129 + 273, प्लस करके बताओ कितना होता है, प्लस करके बताओ कितना होता है, 402 केल्विन, ठीक है, 402 केल्विन, ये हो गया मेरे पास टेम्परेचर। प्रेशर है, टेम्परेचर है, मोल्स है, और क्या क्या है, और आर है 8.314, आर भी दिया हुआ है मुझे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो ये MKS यूनिट हो गई प्रेशर की, R की भी MKS यूनिट हो गई, ठीक है, मोल्स भी हो गए, टेम्परेचर हो गया, हमें क्या निकालना है? अरे नहीं, प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको वॉल्यूम कर दो, MKS यूनिट मीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर हमें निकालना है। हमें पता है लगना तो सीधा सा फॉर्मूला है, आइडियल गैस की इक्वेशन लग दी है, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT, सीधा फॉर्मूला लगना है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। तो प्रेशर हमें निकालना है, वॉल्यूम मेरे पास 0.03 है, सारी यूनिट MKS रख दो बेटा, तो प्रेशर भी MKS में आ जाएगा, पास्कल में आ जाएगा। वॉल्यूम मैंने रख दिया, N कितना है मेरा 6/16, R कितना है 0.9, MKS में R कितना है 8.314, और टेम्परेचर कितना है मेरे पास 402, ठीक। तो बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 3/8, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड कर दें 3/8, और 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1.04 के आसपास ये आएगा बेटा मेरे पास, 1.04 के आसपास मेरे पास ये आ जाएगा, 04 है कि 4 है, 04 आएगा, 04, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू 3 × 1.04 × 402, और डिवाइड किससे करना है, 0.03। देखो अगर मैं पॉइंट हटा लूँ तो ये 3 से तो 3 कट गया, प्रेशर इज इक्वल टू 402 × 104, और ये आएगा पास्कल में, तो काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। चलो सारे ऑप्शन बड़े बड़े हैं, बस हमें मल्टीप्लाई करना है 402 × 104 करेंगे भाई, करो करो करो, 2, 0 और 4 कितना आ गया, 41808 है कोई ऑप्शन, 41808, 41648 के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, नियरेस्ट जो आ जाए वो मार्क कर दो। तो दिस इज अवर आंसर फॉर द प्रेशर। चलो आगे चलते हैं बेटा। बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इन केल्विन इज डबल्ड। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है,
तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, सी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 8 आर टी बाय पाई एम। अब कह रहे हैं किस फैक्टर से एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर को डबल कर दें, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। समझ गया ना भाई, स्क्वायर रूट लगा हुआ है टेम्परेचर के साथ। अगर आप इसको देखोगे, टेम्परेचर एवरेज वेलोसिटी अगर दोनों को देखोगे तो देयर इज अ रिलेशन ऑफ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हो, अगर आप यहाँ पे 2 करते हो, मतलब अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हो, अगले पेज पे लिख देते हैं, इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, सो सी एवरेज विल बी रूट टू टाइम्स, है ना, रूट टू और रूट टू का क्या मतलब हो जाता है 1.41 टाइम्स। है कोई ऑप्शन? ये बड़ा आसान सवाल था, कौन से साल में पूछा गया है ये, 2011। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखते हैं सवाल पता चल रहा है कि स्क्वायर रूट है तो 1.4 टाइम्स बढ़ेगा। और देखो इन्होंने ए ऑप्शन में 2 दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 इसमें मार्क करेंगे, वो भूल जाएंगे स्क्वायर रूट क्या होता है 2 का। आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग को नहीं भूलना है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल ए टू ऑफ अ सब्सटेंस इज 4.4 × 10⁻¹⁹ जूल एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी गिवन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो एक ए टू का मॉलिक्यूल है जिसने डेफिनेटली ऐसे बॉन्ड बनाया होगा, इसने एक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की 4.4 × 10⁻¹⁹ जूल। अब इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने बॉन्ड को तोड़ दिया, और बॉन्ड तोड़ने में जो इसने एनर्जी लगाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो इसने लगाई बॉन्ड को तोड़ने में, वो लगाई 4 × 10⁻¹⁹ जूल। आप समझ रहे हो, आपको 20 रुपये मिले और आपने 15 रुपये की आइसक्रीम खा ली, तो आपके पास कितने बचे, 5 बचेंगे ऑफ कोर्स, 20 में से 15। तो आपको एक एनर्जी मिली, ए टू के मॉलिक्यूल को एक एनर्जी मिली और उसने उसमें से कुछ एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में लगा दी, तो कितनी एनर्जी उसके पास बची, एनर्जी रिमेनिंग आफ्टर बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड टूटने के बाद कितनी एनर्जी उसके पास बची, दैट इज टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी उसको मिली थी या उसने एब्जॉर्ब की थी, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो टोटल उसने एब्जॉर्ब की थी बेटा 4.4 × 10⁻¹⁹ जूल, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लग गई बेटा 4 × 10⁻¹⁹ जूल, तो ये बच गया 0.4 × 10⁻¹⁹ जूल। अब क्या हुआ, जैसे बॉन्ड टूटा, ए टू से टू एटम्स बन गए ए के, और इनके पास कितनी एनर्जी है, 0.4 × 10⁻¹⁹ जूल की एनर्जी इनके पास है। अब ये क्या करेंगे, या तो ये लड़ाई झगड़े कर लें कि भाई सारी एनर्जी मुझे दे दो, ए के एटम को दे दो, या अगर ये अच्छे सभ्य लोग हैं तो ये क्या करेंगे, ये बांट लेंगे एनर्जी को, क्योंकि हमसे ना एनर्जी पर एटम पूछी गई है, तो इक्वली ये एनर्जी को बांटेंगे, इक्वली ये एनर्जी को बांटेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर एटम विल बी 0.4 × 10⁻¹⁹ डिवाइड बाई 2, विच इज 0.2 × 10⁻¹⁹ जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 × 10⁻¹⁹ जूल, अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सुंदर तरीके से लिखना है, सुंदरता के साथ लिखना है। तो क्या आंसर बना, एक भी नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया। अच्छा एब्जॉर्ब कितनी की थी, 4.4 × 10⁻¹⁹, बॉन्ड टूटने में कितनी लगी, 4 × 10⁻¹⁹। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम कितनी हो जाएगी, 0.4 डिवाइड बाई 2, 0.2 आना चाहिए। तो मैंने कुछ -20 होगा, बता दिया करो ना कि मैथमेटिक्स गलत है। तो 2 × 10⁻¹⁰ मतलब ऑप्शन नंबर डी है ना, तुम लोग मत करना ये गलती। जब आप पॉइंट को राइट खिसकाओगे तो पावर आपकी नेगेटिव में बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 13। आगे चलते हैं पीवाईक्यू पे। इफ अ गैस एक्सपेंड्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स, अगर ये गैस एक्सपेंड करती है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या इंडिकेट होता है, काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस,
प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस. आपने क्या किया, टेम्परेचर रखा कॉन्स्टेंट. और मेरी एक बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि राइट अ नोट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर. और अगर आपका टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा ही नहीं. तो काइनेटिक एनर्जी वाले तो ऑप्शन हटाओ. अच्छा, रिमेन्स द सेम भी दिया हुआ है, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है. अब गैस एक्सपेंड कर रही है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो बॉयल्स लॉ वैलिड होता है. और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर आपका डिक्रीज होना चाहिए, समझ रहे हो. तो प्रेशर इंक्रीजेस गलत है, प्रेशर तो डिक्रीज होगा अगर एक्सपेंशन है. वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब ना तो सी है ना डी है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपेंशन होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बदल सकते हैं. तो क्योंकि टेम्परेचर सेम है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, तो ये जो नोट है क्वेश्चन बस इसी पे बना था. सारे ऑप्शन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डालती है. उनका पर्पस बस ये था कि सेम टेम्परेचर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. क्या आप ये जानते हो या नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. अ गैस एट 350 केल्विन 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन. मतलब जो रियल वॉल्यूम है ना, वी रियल, दैट इज 20% स्मॉलर देन वी आइडियल. आइडियल से जो आप निकालोगे, रियल वाला, उससे 20% कम है. द करेक्ट ऑप्शन, देखो अगर वॉल्यूम कम आया है ना, अगर आपका रियल वॉल्यूम कम आया है कभी भी आइडियल से, तो इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन. दिस इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस. और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस कब आता है, आप एक बात सोच के देखो कि वॉल्यूम कम कब आएगा. कम तभी आएगा ना जब कंट्रैक्शन होगा. और कंट्रैक्शन कब होगा, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे. भाई आप क्या किया, आपने क्या किया, एक रूम में 10 लोगों को भर दिया. अगर वो 10 लोग और पास आ जाएं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, तो आपका स्पेस कम लगेगा. लेकिन 10 लोग पास तभी आएंगे जब उनमें दोस्ती अच्छी होगी, मतलब उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे. सो इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके डोमिनेट कर जाएं, और बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, नेगेटिव डेविएशन होता है, तो जेड लेस देन 1 होता है. बहुत आसान है ये सवाल, नीट 2019 में पूछा गया, बहुत आसान है. तो जेड इज लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग. अट्रैक्टिव फोर्सेज आपके डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेटिंग है. अगला, अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ एट. कोई भी गैस, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोई भी गैस एनी गैस बिहेव्स सिमिलर टू आइडियल गैस. एनसीईआरटी हाईलाइट बहुत तगड़ा नोट है. एनी गैस बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. याद करो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, रट लो. हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे कोई भी गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है. तो अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर्स. ऑप्शन नंबर डी, हाई टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम CH4 गैस, NH3 गैस, H2 गैस, N2 गैस. अगर आपको डेविएशन देखना है ना, तो देर इज अ ग्राफ. NCERT ना आपको एक ग्राफ देती है. द ग्राफ इज बिटवीन, वो ग्राफ बनाया जाता है PV वर्सेस P, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्राफ इज बिटवीन Z वर्सेस P, ठीक है. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस P. आइडियल गैस का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है बेटा, और यहाँ Z की वैल्यू 1 होती है. अब आप मल्टीपल गैसेस का ग्राफ बनाओगे, जैसे H2 का बनाओगे, H2 का ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहता है. H2 गैस का ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है.
फिर आप नाइट्रोजन बनाओगे तो नाइट्रोजन का ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, देन आप मीथेन बनाओगे, देन आप अमोनिया बनाओगे बेटा। तो यहाँ पे सबसे नीचे से जो ग्राफ पास करता है, सबसे नीचे से वो अमोनिया का पास करता है, ये मीथेन और ये N2। ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि सबसे नीचे वाला ग्राफ अमोनिया, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है ना आइडियल गैस से, जो सबसे ज़्यादा डेविएशन है वो अमोनिया शो करेगा। बट मैंने डिसाइड कैसे किया कि अमोनिया का ग्राफ सबसे नीचे, या तो आप NCERT से ग्राफ रट लो। अब यार गैसेस बदल गई, वैसे कभी भी क्वेश्चन उन गैसेस पे नहीं आएगा जो NCERT से बाहर है, बट स्टिल आप एक बात ध्यान रखो, मोर इज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मोर डेविएशन, ये जो गैस है इसका ग्राफ नीचे ही जाएगा, मोर डेविएशन फ्रॉम z इज इक्वल टू वन से मतलब आइडियल गैस से उतना ज्यादा डेविएट करेगी। अब अमोनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद मीथेन, उसके बाद N2, उसके बाद H2, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अमोनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड दिस इज द रीजन कि अमोनिया का डेविएशन सबसे ज्यादा है आइडियल गैस। नेक्स्ट कहाँ गया सवाल? हाँ जी, बड़ा सवाल। फॉर रियल गैसेज वैन डेर वाल्स इक्वेशन इज रिटन एज P+AN²/B²। मैं ठीक से लिख देती हूँ यार, कुछ अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई है। P+AN²/B²V-NB=NRT, ये हमारी वैन डेर वाल्स इक्वेशन है। वैसे क्यों ही देनी थी, सबको तो याद है, क्यों दिया है क्वेश्चन में, आसान बना दिया क्वेश्चन को। AN, B आर वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट। टू सेट्स ऑफ गैसेज हैं हमारे पास, सेट ए O2CO2H2 हीलियम, सेट टू CH4O2H2। द गैस इज गिवन इन सेट वन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी। बी मतलब होता है साइज, बी का मतलब होता है साइज ऑफ पार्टिकल, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए लगाना है। ए होता है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आर अरेंज्ड। तो सेट वन को आपको बी के ऑर्डर में लगाना है इंक्रीजिंग, सेट टू को आपको ए के ऑर्डर में लगाना है डिक्रीजिंग। तो क्या ऑप्शन आएगा, पहले साइज देखोगे या पहले अट्रैक्शन देखोगे, क्या आपको ज्यादा आसान लगता है? साइज देख लेते हैं, साइज ज्यादा आसान है क्योंकि जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो दिख जाएगा। तो सेट वन में अगर मैं साइज देखूं तो सबसे बड़ा यहाँ CO2 है भाई, कार्बन है, दो दो ऑक्सीजन है। अब बचता है O2H2N हीलियम। तो देखो O2 बड़ा है H2N हीलियम से, अब हीलियम बड़ा होना चाहिए, वैन डेर वाल्स है और फिर H2 होना चाहिए। तो ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन है जिसमें मेरा CO2 सबसे बड़ा हो, फिर O2 हो, फिर हीलियम, क्योंकि वैन डेर वाल्स रेडियस है, और सबसे छोटा हाइड्रोजन। मतलब मुझे ऑप्शन नंबर सी अभी दिखाई दे रहा है, ये आंसर हो सकता है। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, सेट टू पे आते हैं। तो सेट टू में मुझे अट्रैक्शन फोर्सेस देखनी है, अट्रैक्शन फोर्सेस। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस मीथेन, अभी अभी आपको बताया था, फिर O2 और सबसे कम H2। तो मतलब आई थिंक मेरा सेट टू भी यहाँ मीट कर गया। यस, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, गिवन वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट फॉर NH3, H2, O2 एंड CO2 आर रेस्पेक्टिवली। NH3 के लिए क्या है, आप लोग को पता है, आप लोग पेपर में सिली मिस्टेक्स कहाँ करते हो, जैसे इस तरह का सवाल दिया है तो आप ना डेटा इधर उधर कर देते हो, इसलिए व्हाट आई डू ताकि गलती ना हो, आई राइट द डेटा। अब जैसे ऐसे लाइन में डेटा लिखा हुआ है, मान लो हमने इसकी जगह ये पढ़ लिया तो 1.36 पढ़ लिया तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो हमेशा डेटा को ना लिखा करो बेटा, या फिर ठीक से पढ़ा करो, बहुत केयरफुल होके पढ़ा करो। तो आई वॉन्ट से कि केयरफुल होके पढ़ा करो क्योंकि प्रेशर रहता है आप पे एग्जाम में, तो हमेशा डेटा को लिख दिया करो साइड। ये डेटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट लाइक मोस्ट इजिली लिक्विफाइड। देखो, मोर इज वैल्यू ऑफ वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट ए मोर इजिली लिक्विफैक्शन विल अकर, उतना ही इजिली लिक्विफैक्शन हो जाएगा जितनी ज्यादा वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू होगी। अब यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दिख रही है मुझे, 4.17,
हाँ जी, तो सबसे इजीली लिक्विफैक्शन किसका होगा? अमोनिया का, क्योंकि वैसे भी उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाता है अमोनिया। अमोनिया के बाद CO2 होगा, फिर ऑक्सीजन होगा और सबसे एंड में हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर बिकॉज। प्रेशर कुकर में बीन्स जल्दी क्यों पक जाते हैं? प्रेशर कुकर का नाम प्रेशर कुकर क्यों है? आप उसका ढक्कन कर देते हो बंद, ढक्कन बंद करके आप इतना ज्यादा सराउंडिंग प्रेशर क्रिएट कर देते हो, इसीलिए तो उसका नाम प्रेशर कुकर है। सराउंडिंग प्रेशर इज इंक्रीज्ड और जैसे जैसे सराउंडिंग प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग प्रेशर। जितना ज्यादा आपका सराउंडिंग प्रेशर रहेगा उतना हाई आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मतलब आपकी जो कुकिंग चल रही है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर चल रही है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो कुकिंग टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, और यही तो आप करते हो जब आपको खाना जल्दी पकाना है तो आप टेम्परेचर सीधा फ्लेम बढ़ाते हो गैस का। तो कुकिंग अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे चल रही है तो ऑब्वियसली कुकिंग जल्दी हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सराउंडिंग प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आई थिंक हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर के PYQ थे, सो चूँकि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको क्या काम करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे, इसके अलावा आपको t.me आनंदमनी001 ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको इसका PDF भी मिल जाए, और आनंदमनी.com वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेना है फॉर मोर PDFs, माइंड मैप्स, की नोट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। सो दिस इज ऑल इन द स्टेट्स ऑफ मैटर PYQ। अब तुम लोग लग जाओ यार, स्टेट्स ऑफ मैटर को ना खत्म कर दो। वन शॉट का लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, PYQ नीट क्वेश्चन बैंक पे अवेलेबल है, एग्जाम्पलर भी मैंने आपके लिए बना दिया है, एग्जाम्पलर भी आपको मिल जाएगा, सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के मिल जाएंगे, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर का वन स्टॉप सोल्यूशन आपके पास रेडी है। अब तुम लोगों का काम बाकी है कि तुम लोग उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। सो दिस इज ऑल इन स्टेट्स ऑफ मैटर, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।